नाइन्थ चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री का, जिसका नाम क्या है? फ्रेंच रिवोल्यूशन, यानी कि फ्रांस में जो रिवोल्यूशन हुआ उसके बारे में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो पूरा का पूरा आपका स्टार्टिंग है, ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन से। तो इस चैप्टर में किस किस तरीके का चीजें क्या क्या है जो इस चैप्टर में आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर में क्या क्या एक्चुअल में आएगा, पहला इसका इंट्रोडक्शन से साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। सेकेंड है कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन। फ्रेंच रिवोल्यूशन के मेन कॉजेज क्या क्या थे, लाइक 14 जुलाई 1789, तब ये डेट यहां से स्टार्ट होता है फ्रेंच रिवोल्यूशन, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब ये जो डेट है, ये जो रिवोल्यूशन है, इसके सोशल कॉज क्या होंगे, ठीक है, इकोनॉमिक कॉज क्या होंगे, पॉलिटिकल कॉज क्या होंगे, ठीक है। अब ये सारे कॉज के बाद एक न्यू क्लास इमर्ज हुआ था जिसको बोला गया मिडिल क्लास, ठीक है, ये एक्चुअल में एडुकेटेड क्लास था। नेक्स्ट आते हैं फिलोसोफर, बहुत सारे फिलोसोफर हैं, उनके कंट्रीब्यूशंस हैं रिवोल्यूशन में, क्या उन्होंने कंट्रीब्यूशंस दिया, उनका एक पर्टिकुलर हम लोग लिस्ट देके देखेंगे, क्योंकि ज्यादातर नाइन्थ क्लास में आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है। नेक्स्ट है आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन, उसके बाद आते हैं हम लोग फ्रांस बिकेम अ कंस्टिट्यूशनल मोनार्की। अब कंस्टिट्यूशनल मोनार्की कैसे बना, यानी कि मोनार्की से कंस्टिट्यूशन का सफर। उसके बाद है फ्रेंच अबॉलिश मोनार्की बिकेम्स रिपब्लिक, फ्रांस जो है वो मोनार्की को एबॉलिश करता है, खत्म करता है और क्या बनता है, रिपब्लिक बनता है। उसके बाद आते हैं हम लोग टेरर, इट मींस मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो उसके बाद डायरेक्टरी रूल्स, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के बाद यहां पर किस तरह से डायरेक्टरी रूल्स इन फ्रांस आया उसके बारे में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं विमेन रिवोल्यूशन, विमेन्स किस तरह से पार्टिसिपेशन किया, किस तरह से क्या हुआ विमेन्स के साथ, उन सब के बारे में, उनकी क्या क्या डिमांड थी वो भी। नेक्स्ट है एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, यानी कि स्लेवरी को किस तरह से हटाया गया, कहां से स्टार्ट होता है, उनके सेंटर्स कौन है, इन सारे का सारा हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद है रिवोल्यूशन ऑफ एवरीडे लाइफ, डेली लाइफ में लोगों ने रिवोल्यूशन को किस तरह से अपनाया, एक्सेप्ट किया, उनके बारे में। उसके बाद आता है आपका राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट का राइज कैसे हुआ, और फाइनली हम लोग क्या देखते हैं, लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन। फ्रेंच रिवोल्यूशन की लेगेसी थी वो कौन कौन से कंट्रीज में, स्टेट में जाकर के ये इमर्ज हो, ठीक है। तो चले आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर इंट्रोडक्शन, हम लोग चलेंगे एनसीईआरटी का पेज बाय पेज। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 3, अभी इस लेक्चर में हम लोग पेज 3 देख रहे हैं। पेज 3 का पहला देख लीजिए, तो पहला जो जैसा कि ये सेंटेंस स्टार्टिंग होता है 14 जुलाई 1789 The city of Paris was in a state of alarm, ठीक है। स्टेट ऑफ अलार्म का मतलब क्या होता है, स्टेट ऑफ अलार्म का मतलब होता है किसी तरह का अटैक हो, उथल पुथल मचाना हो, ठीक है, हड़बड़ाहट में लोग इधर से उधर भाग रहे हो, तो उसको हम लोग स्टेट ऑफ अलार्म बोलते हैं। अब ये ऐसा पेरिस में हुआ क्यों था, बिकॉज ऑफ एक र्यूमर। अब र्यूमर का मतलब क्या होता है, अफवाह, स्कूल्स वगैरह में अफवाह होती होगी, है ना, र्यूमर फैलता होगा। चलिए, तो र्यूमर जो था वो एक्चुअल में था क्या, जिससे जो है वो माना जाता है स्टार्टिंग हो गया फ्रेंच रिवोल्यूशन का। आइए र्यूमर देखते हैं। तो र्यूमर क्या था, द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। किंग ने क्या बोला है ट्रूप से कि आप जो है किस तरफ जाओ, बॉर्डर छोड़ करके आप शहर गांव की तरफ निकलो। He would soon order the army open fire the citizen. Citizen पर open fire करने का उनको बहुत जल्दी ऑर्डर मिलेगा। ऐसा लोगों का मानना था कि जो फ्रांस के राजा हैं, जो किंग हैं, उन्होंने ऐसा ऑर्डर दिया है कि जितने भी ट्रूप्स हैं वो वापस गांव में चले आए। अब इसी र्यूमर के अगेंस्ट में 7,000 men and women gathered in the front of town hall and decided to form people militia. ठीक है, 7,000 से ज्यादा लोग, men और women, ये सभी के सभी इकट्ठा होते हैं कहां, टाउन हॉल के सामने, और क्या बनाते हैं, people militia. अच्छा, people militia का मतलब होता है human chain, आपने याद होगा, एक हाथ एक पकड़ता है स्टूडेंट, एक हाथ एक पकड़ता है स्टूडेंट, इस तरह से human chain बनाई जाती है। तो यहां पर भी 7,000 men and women जो थे वो जो टाउन हॉल था वहां पर उसके सामने उन्होंने गैदर्ड किया और एक तरह का पीपल मलेशिया बनाया। चलिए,
नेक्स्ट आते हैं, द रिवोल्यूशन बिगिन इन 14 जुलाई 1789, ठीक है, विद द स्टॉर्मिंग ऑफ फोर्ट्रेस प्रिजन ऑफ बस्टाइल। बस्टाइल क्या थी? तो एक प्रिजन था, एक कैदखाना था, जहां किंग के अगेंस्ट कोई भी जाता था उसको पकड़ के उस जेल में बंद कर जाता था। इस वजह से बस्टाइल को क्या बोला गया है? डिस्पोटिक सिंबल। क्या बोला गया है? डिस्पोटिक सिंबल ऑफ फ्रांस या डिस्पोटिक सिंबल ऑफ किंग, ठीक है। तो बस्टाइल को डिस्ट्रॉय करके यहां से फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट होती है। द बस्टाइल द फोर्ट्रेस प्रिजन वाज द हेट्रेड बाय ऑल। अब राजा का सिंबल था, किंग का सिंबल था, और किंग जो था वो बहुत ही ज्यादा उठपटांग चीजें कर रहा था, लोगों के अगेंस्ट काम कर रहा था जो लोगों को पसंद नहीं थे। दैट्स व्हाई जितने भी लोग थे वो बहुत ज्यादा नफरत करते थे एक तरह से किंग से, और इस बस्टाइल से भी वो लोग सबको नफरत करते थे। फाइनली क्या हुआ, इस फोर्ट्रेस को, इस फोर्ट्रेस का मतलब क्या होता है? किला। इस किले को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं? पहला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन वाज फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड? तो आंसर क्या होगा? 14 जुलाई 1789। वाई मतलब फ्रांस डिस्ट्रॉय द बस्टाइल, ठीक है, वाई पीपल ऑफ फ्रांस डिस्ट्रॉय द बस्टाइल। तो आप इसमें आंसर लिख सकते हो, द बस्टाइल द फोर्ट्रेस प्रिजन वॉज हेटेड बाई ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। वो स्टूड किस लिए करता था? डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग के लिए। वट वॉज द ट्यूमर स्प्रेडेड इन द फ्रेंच सोसाइटी इन 14 जुलाई 1789। तो र्यूमर क्या था? तो ये दो र्यूमर हो गए आपके, ठीक है। तो एमसीक्यू में पूछता है, कभी ऐसे भी पूछता है। अच्छा, ये आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए जितने भी रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे आपको पार्ट बाय पार्ट आपको डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएंगे, ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने पहले टॉपिक पर, जहां से एक्चुअल में आपका 9th का हिस्ट्री स्टार्ट होता है। हम लोग पेज 3 पढ़ चुके थे एनसीईआरटी का, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पेज 4। तो पेज 4 जो स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है लुई 16 के नेम से। तो हु वाज लुई 16? तो लुई 16 वाज द किंग ऑफ फ्रांस। कब बना था ये किंग? 1774 में। कौन से फैमिली से बिलोंग करता था? तो ये बिलोंग करता था बॉर्बन फैमिली से। वाइफ का नाम क्या था? तो मैरी एंटोनेट। और जब ये किंग बना था उस टाइम ट्रेजरी जो थी वो क्या थी? एम्प्टी थी, खाली थी, तिजोरी बिल्कुल खाली थी जब ये राजा बना। वो है आपका व्हाई लुई 16 वाज बाउंडेड टू इंक्रीज टैक्सेस ऑफ फ्रेंच पीपल। क्यों बाउंड हो गया था? क्यों उसको टैक्सेस इंक्रीज ही करना था, ठीक है। तो पहला आता है, आप एनसीईआरटी के लाइन से स्टार्ट कीजिएगा, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। बहुत लंबे समय के वॉर के वजह से फ्रांस का जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस था वो धीरे धीरे ड्रेन हो रहा था, खत्म हो रहा था। सेकंड है आपका कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग ऑफ एक्स्ट्रावेजेंट कॉस्ट ऑफ इमिनेंस पैलेस ऑफ वर्साइल। अब एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब क्या है? फिजूल खर्ची। कॉस्ट जो था वो मेंटेनेंस करने का, वर्साइल वगैरह जो पैलेसेस थे उनका मेंटेनेंस वगैरह करने का बहुत ज्यादा ही उसका खर्च आता था। एट द सेम टाइम फ्रांस हेल्प ऑफ 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। एट द सेम टाइम फ्रांस हेल्प भी कर रहा था किसका? 13 अमेरिकन कॉलोनीज का, जो आगे चल के क्या बना? यूएसए। किस लिए हेल्प कर रहा था? क्योंकि इन दोनों का, फ्रांस का और 13 अमेरिकन कॉलोनीज का एनिमी कौन था? ब्रिटेन। द वॉर एडेड मोर देन 1 बिलियन लीवर टू अ डेप्थ दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लीवर, ठीक है। अब ये वॉर जो था वो मनी लेंडर्स वगैरह से लिया जा रहा था, पैसे लिए जा रहे थे, तो वो 1 बिलियन से या बिलियन लीवर से होकर के वो कितना बढ़ गया, बढ़ के हो गया था 2 बिलियन लीवर पहुंच चुका था। इतना ज्यादा कर्ज था फ्रांस के ऊपर, ठीक है। यहां देखिएगा लीवर को ब्लैक से किया गया, लेवर क्या था? लेवर जो था द फ्रांस करेंसी। अब ये भी आपका वन वर्ड का क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द करेंसी ऑफ फ्रांस? आंसर क्या होगा? लेवर।
जितना ज्यादा बोलिए, जितना ज्यादा आप सुनिएगा, उतना जल्दी आपको ये याद होगा। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सो द फ्रांस सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज ऑब्लाइज्ड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलोन। तो जितना भी खर्च था, जितना भी तरीके का खर्च था, चाहे वो आर्मी का हो, कोर्ट का हो, ठीक है, या फिर वो स्टेट को किसी तरीके से आपको मेंटेनेंस करने का, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, जितने भी जो भी चीज था, वो सारा का सारा खर्च कौन उठा रहा था? अकेले फ्रांस फ्रेंच गवर्नमेंट उठा रही थी, ठीक है। और देखो अब टैक्स देने वाले कौन थे? ओनली मेंबर्स ऑफ थर्ड ईयर स्टेट पेड टैक्सेस। सिर्फ थर्ड ईयर स्टेट के मेंबर ही टैक्स पे कर रहे थे। तो टैक्स जो था वो इनको मजबूरी में, इतना ज्यादा खर्च था, कर्ज बढ़ रहा था, तो भाई अब वो उनके पास दूसरा कोई चारा ही नहीं था टैक्स को इंक्रीज करने के अलावा, ठीक है। चलिए तो ये था आपका पहला पैराग्राफ। अब आते हैं हम लोग आगे का सिनारियो। चलिए आइए देखते हैं, आगे देखते हैं। तो हमारा पहला टर्म था ओल्ड रिज्म। ओल्ड रिज्म किसे बोला जाता है? तो फ्रांस बिफोर 1789, ठीक है। तो यहां लिखा भी है द टर्म ओल्ड रिज्म इज यूजली यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। चलिए अब ये जो सोसाइटी की बात यहां पर हो रही है, उस सोसाइटी को क्लासिफाइड कैसे किया गया है? तो फर्स्ट ईयर स्टेट, सेकंड ईयर स्टेट एंड थर्ड ईयर स्टेट। फर्स्ट ईयर स्टेट को क्या बोला जाता था? क्लर्गी, यानी कि इसमें मेनली किस तरह के लोग आते थे? चर्च से रिलेटेड बिशप्स वगैरह, ये सारे के सारे इसमें आते थे। सेकंड ईयर स्टेट में नॉबिलिटीज, नॉबिलिटीज का मतलब क्या होता था? किंग एंड उनके रिलेटिव। थर्ड ईयर स्टेट को तीन कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला था बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, पीजेंट्स और आर्टिशियंस, स्मॉल पीजेंट्स और लैंडलेस लेबर्स। ये तीन हिस्सों में इनको कैटेगराइज किया गया था। आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में, हम लोग इसको बोल सकते हैं रिच सेक्शन, मिडिल सेक्शन और पुअर सेक्शन। अब देखना, इसमें देखने वाली ये बात है कि फ्रेंच का ये जो सोसाइटी था, इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन टैक्स पे करता था? थर्ड ईयर स्टेट, ठीक है। अब जो ये टैक्स था, वो टैक्स दो टाइप्स की टैक्सेस थी। पहला था डायरेक्ट टैक्स जो कि गवर्नमेंट को जाता था, और दूसरा था इनडायरेक्ट टैक्स जो कि चर्च यानी कि बिशप्स वगैरह को जाता था। अब डायरेक्ट टैक्स किस पर लगता था, इनडायरेक्ट टैक्स किस पर लगता था? तो डायरेक्ट टैक्स जो था, विच वॉज चेंज और आर्टिकल्स ऑफ द एवरीडे कंजप्शन लाइक सॉल्ट एंड टोबैको, यानी कि जो डेली बेसिस में आप जो कंजप्शन कर रहे हो, जो आप ले रहे हो सॉल्ट और टोबैको, उससे रिलेटेड जो टैक्सेस थे वो किसके पास जाते थे? किंग के पास। अब देख लो, इनडायरेक्ट टैक्स अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का 1/10 यानी कि 10वां हिस्सा आप किसको पेड करोगे? चर्च को, जिसको क्या बोला जाता था? टिथ्स। देखिएगा प्रोनंसिएशन इसका, इसको बोला जाता था टेल्स, टेल या टेल्स, टिथ और टिथ्स, दो तरीके से इसका प्रोनंसिएशन होता था, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। पेज नंबर आपका 5 में की इमेज दिया है, इमेज के जस्ट नीचे आपको ये वर्ड मिलेगा हार्ड वर्ड्स में भी, सबसेशन क्राइसिस, ठीक है। तो ये हम लोग एक क्वेश्चन के अनुसार समझेंगे कि ये क्या होता है और फ्रांस में ये कैसे आया। तो आपका क्वेश्चन है व्हाट डज सबसेशन क्राइसिस मीन, या फिर व्हाट लीड टू सबसेशन क्राइसिस इन फ्रांस। ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, एक ही साथ कंबाइन करके पूछता है, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स, कभी कभी ये 5 मार्क्स के लिए पूछता है, ठीक है। ये दिखने में आपको लग रहा होगा कि ये बहुत लॉन्ग है, लेकिन आप बिलीव करो, आप जब पढ़ोगे ज्यादा, बार बार इसको सुनोगे, तो आप ये फील करोगे कि ये बहुत आसान है, बहुत ईजी है। और जब आप 8 या 10 पॉइंट याद करते हो घर पे, तो एग्जामिनेशन में सिर्फ 5 ही पॉइंट, 5 या 4 पॉइंट ही याद आएगा, ये 10 के 10 याद नहीं आएंगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे करने के। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। तो 18 सेंचुरीज में क्या हुआ था कि फ्रांस का जो पॉपुलेशन था वो तेजी से इंक्रीज कर रहा था, और जब पॉपुलेशन इंक्रीज करती है तो क्या होता है? डिमांड बढ़ती है किसकी? फूड ग्रेन्स की, ताकि सबको खाना मिल सके। अब पॉपुलेशन इंक्रीज किया, यहाँ फूड ग्रेन्स जो है उसकी डिमांड बढ़ी, तो प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स भी तो बढ़ना चाहिए, लेकिन ये जो था ये क्या हुआ?
could not keep pace with the demand, demand को fulfill ये नहीं कर पा रहे थे. So the price was bread which was staple diet of the majority rose rapidly. यानी कि prices जो थी bread की, bread जो कि वहां का staple food था. Staple diet किसको बोलते हैं, जो daily basis में हम लोग use करते हैं. Like हम लोग क्या use करते हैं, दाल चावल, daily खाना है हम लोग का, तो वो है staple diet. वहां का स्टेपल डाइट क्या था, तो मेजोरिटी ऑफ पीपल इस्तेमाल करते थे ब्रेड का, तो ब्रेड की कीमत क्या हुई, वो इंक्रीज हो गए. लेकिन जो वेजेस थे, जो कमाई थी लोगों की, उसमें किसी तरह का चेंजिंग हुआ, कोई बढ़ा उसमें, ऐसा कुछ भी वहां पर नहीं बढ़ा. अब देखना कि जो गैप था पुअर और रिच का, ठीक है, वो क्या हुआ, विडेंट हो गया, यानी कि और भी ज्यादा भयावर या फिर बड़े तरीके से इन दोनों के बीच में गैप आ गई, पुअर और रिच के बीच में. और इसी टाइम सोने पे सुहागा जिसको बोलते हैं, एट द सेम टाइम ड्रॉट्स एंड हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट, जो भी हार्वेस्ट था उसको भी खराब कर दिया ड्रॉट्स अकाल ने और हेल ओलावृष्टि ने, ठीक है. और ये क्या करता है, लीड करता है हमारा सब्सिस्टेंस क्राइसिस को, ये लीड करता है. अच्छा, अब सब्सिस्टेंस क्राइसिस जो है, क्राइसिस जो है आपका, ये क्या होता है, जो बेसिक नीड्स वर डिस्ट्रॉय, जब बेसिक नीड्स क्या होती है, डिस्ट्रॉय होता है. अब किसी भी आदमी के लिए बेसिक नीड्स क्या होती है, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है, यानी कि ब्रेड फूड, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, शेल्टर और बोलिए क्लोथ, ठीक है. तो ये बेसिक नीड्स होती है किसी की भी. तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस में वहां के पुअर लोगों के बीच में ये हुआ. इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये सेशन आज ही, आज का आपका पेज नंबर 5 तक कंप्लीट होता है. हम लोग जल्द ही लेके आएंगे पेज नंबर 6 से लेकर के 10 तक. तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें.